तुम लोगों को फुटबॉल खेलना नहीं आता है? गोल पोस्ट कहाँ है और बॉल कहाँ मार रहे हो? जॉन बॉल तो गोल पोस्ट में ही मारी थी, देखो ऐसे। जान बूझ के टेढ़ा मेढ़ा निशाना लगा रहे हो, गोल करने के बहाने मुझे गिरा रहे हो। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है, है ना नंबर दो? हाँ? कविता को छोड़ो और मेरा गोल देखो, ला बॉल मुझे दो। अरे हंसने की कोई बात नहीं है, होता है होता है। मैं तुम सबसे अच्छा फुटबॉल खेल सकता हूँ, यकीन ना हो तो हो जाए फुटबॉल मैच। उड़ी बाबा, फुटबॉल मैच खेलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, चलो हो जाए मैच। मंजूर है, कल सुबह यहीं इसी जगह मैच होगा। जॉन जरूर चीटिंग करेगा, फिर हम क्या करेंगे? ओए डोंट वरी, अगर उसने चीटिंग की तो मैं भी तैयारी से आऊंगा। ये देखो, इसे किकिंग शूज कहते हैं। इसे पहन के अगर किक मारेंगे तो इतने जोर से बॉल जाएगी कि कोई रोक ही नहीं पाएगा और बॉल सीधे गोल में जाएगी। हाँ अब आएगा मजा, मैं इसे पहनूंगा। ये बटन कैसा है? अरे रे 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 रे, पहनने के बाद दबाना था यार। तुम्हारी टीम में बस तीन ही है, चौथा भी है। अरे इनकी उम्र तो अब आराम करने की है और तुम इन्हें फुटबॉल खिलाने लाए हो। इनका नाम है चाउमीन और ये तुम लोगों का चाउमीन बना के खा जाएंगे। अरे माँ, मेरे बिना मैच कैसे खेलोगे? मैं रेफरी बनूंगा। शुरू करो।
और उसे चोट लग जाएगी। दादाजी कहाँ गए? ओए बॉल किधर है? किसके पास? इधर है मेरे पास। बुड़ी बाबा, ये दादाजी तो सुपरमैन निकला, उधर कब गया? कैसे गया? अब दादाजी कहाँ गए? अरे गोल फुटबॉल से करना है, मुझसे नहीं, कोई इसे बताओ प्लीज। गोल, गोल, गोल। इसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोटू पतलू, जाओ ट्रक आ गया है, सामान पैक करो और चले जाओ। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। क्या आप और खेलना चाहते हैं? खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। फुरपुरी नगर हमारी जान है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। ओए ये दादाजी कोई मामूली आदमी नहीं है, जादूगर है। ये चीटिंग कर रहे हैं, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ, ओए ये मैग्नेटिक शूज है और ये मैग्नेटिक फुटबॉल। ये शूज पहन के खेलोगे तो ये फुटबॉल अपने आप शूज के पास चिपक के चलेगी और कोई तुमसे बॉल नहीं छीन पाएगा। पुरी बाबा, अब हम गोल पे गोल करेंगे। बॉल तो मोटू का पैर पे ही चिपका है, झाटका का हर चीज बेकार होता है। मोटू कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया, चाय वाले भैया हमारे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मोटू के लिए कुछ समोसे दे सकते हो? अरे फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है, ले जाओ समोसे, लेकिन मैच मत हराना। हाँ। शाली हो, आई सरेंडर, आई सरेंडर। मैं हार गया, मैं जा रहा हूँ,
आपके साथ खेलकर अच्छा लगा। दादाजी फिर कभी आना और अपने खेलने का तरीका हमें सिखाना। दुश्मनों के आगे क्यों सिर झुका रहे हो? हमें छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। बचाओ, जाओ मेरे दादाजी। दोस्तों, भाइयों बहनों और अपराधियों, यहाँ अपराधी कोई नहीं है चिंगम सर। ओह सॉरी, पुलिस वाला हमेशा अपराधी के बारे में ही सोचता है। तो दोस्तों, आज मोटू पतलू ने पुरपुरी नगर में पेड़ लगाने का नया अभियान शुरू किया है। देश में जितने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे उतनी हरियाली बढ़ेगी, और जितनी हरियाली बढ़ेगी उतना ही अच्छा मौसम होगा। लेकिन चिंगम सर, पेड़ को बढ़ने में तो कई साल लग जाते हैं। कुछ ऐसा तरीका बताइए कि आज पेड़ लगाए और कल से ही हरियाली शुरू हो जाए। ओए मोटू मेरे प्राण, मेरे यार, उसका तरीका मेरे पास है यार। ये दवा पेड़ में 2 बूंद डाल दो और पेड़ जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा यार। ओए कसम मेरे मरीजों की, ये क्या कर दिया तुमने, सिर्फ 2 बूंद डालनी थी। अरे 2 बूंद से क्या होगा, पूरी बोतल ही डाल दी, अब और जल्दी हरियाली आएगी। ये पेड़ कहाँ से आ गया, कल तक तो नहीं था। ये तो वही पेड़ है जो कल लगाया था। डॉक्टर झटका की दवा का असर है जो इतना बड़ा हो गया। वो देखो कितने बड़े बड़े आम लगे हैं। बूढ़ी बाबा, ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, डॉक्टर झटका तुम्हारा दवा तो कमाल है। चलो रे आम तोड़ते हैं, देखो कितने अच्छे आम लगे हैं। खबरदार, ये मेरा पेड़ है, आम मैं तोड़ूंगा। हम इंसान हैं, हम किसी पेड़ से नहीं डरेंगे। अरे हमने तो आंधी तूफान समुद्र पर्वत सब पे विजय हासिल की है, ये पेड़ क्या चीज है। हाँ मोटू तुम ठीक कहते हो, जाओ और जाके आम तोड़ लो। अरे मैं अभी अभी मार खा के आ रहा हूँ और तुम मुझे ही भेज रहे हो। आंधी तूफान पे विजय पाने की बात भी तो तुम ही कर रहे हो। चलो हम सब मिलके इस पेड़ पे खूब पत्थर मारते हैं, आम अपने आप ही टूट जाएंगे और फिर हम सब मिलके आम खाएंगे। ठीक है, चलो चलो। दोस्तों एकता में बल है, याद रखो एकता में बल है। अब मेरा मतलब है यूनिटी में बल है, एकता मतलब यूनिटी। किसी ने कहा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चलो सब एक साथ ये गुलेल खींच के पत्थर मारते हैं। अब देखता हूँ ये अपने आम कैसे बचाता है। खींचो और खींचो और छोड़ दो। चलो एक साथ हमला करके आम उठाकर भाग लेंगे। किस किस को रोकेगा ये पेड़। सॉरी सॉरी पेड़ जी, गलती हो गई। ये ऊपर वाले कहाँ फंसा दिया। पेड़ जी माफ कर दो, मोटू के चक्कर में मैं हमेशा फंस जाता हूँ। बचाओ
कसम, भारत माता की कसम, छोड़ दो। मार सुतिया, यूनिटी स्ट्रेंथ किसका आइडिया था वे? पेड़ को अरेस्ट करने का कोई कानून होता तो मैं उस पेड़ को अरेस्ट करके जेल में डाल देता। ओए मुझे सिर्फ एक आम दे दो, फिर उसके रस पे रिसर्च करके ऐसी दवा बनाऊंगा कि ये पेड़ गायब हो जाएगा। बस एक आम चाहिए मुझे। हाँ। एक आम लाना तो मोटू के बाल हाथ का खेल है। नहीं नहीं, मैं अपने हिस्से की मार खा चुका हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है और तुम्हें ही जाना होगा। वैसे भी तुम हम सबसे बहादुर हो, याद है मोटू जब हम फौज में थे तो तुमने अकेले ही दुश्मनों की चौकी पे कैसे कब्जा कर लिया था। रुको, मैं अभी आम उठा रहा हूँ। अरे रुको ना, क्या कर रहे हो? मोटू बचाओ! ये क्या है? मेरे दोस्त को छोड़ दो अभी इसी वक्त। एक आम के लिए इतना नाटक, इस आम के लिए इतना नाटक। अरे इसकी तो जात का भी पता नहीं, ये हापुस है, बादामी, लंगड़ा या फिर कोई और, फिर भी इतना नाटक। ये लो, नहीं चाहिए तुम्हारा आम, छोड़ो मेरे दोस्त को। नहीं चाहिए तुम्हारा आम, रखो इसे। मोटू क्या कर रहे हो? आम मिल रहा है तो ले लो। नहीं लूंगा इसका आम, जो कि बेनाम है, जिसका कुछ अता पता नहीं कि कौन सा आम है। ओए मार सुटिया पापड़ वाले नू, ओए कमरी तोड़ दी। अरे किसी को आम मिला? मिला था लेकिन हमारे साथ नहीं आया। मुझे मिला एक आम। कब से आम खाने को तरस रहा था? ये आम डॉक्टर झटका की रिसर्च के लिए था, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। सॉरी, अब क्या करें? ओ इस आम का छिलका दे दो, काम हो जाएगा यार। मोटू अब ये दवा डालना जरूरी है, पेड़ की जड़ में दवा जानी चाहिए, कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, तुम सामने से समोसा खा के हमला करो और मैं पीछे से बिना समोसे खाए अटैक करता हूँ। लगता है उसने भी समोसे खाए हुए हैं। ओ
कोई इसे बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, ये हमेशा ऐसे ही अंदर बंद रहेगा। पूरी बाबा, शुक्र है ऊपर वाले का इस मुसीबत से छुटकारा मिला। ये बोतल मुझे दे दो, कुछ दिन मैं इसे जेल में बंद करके रखना चाहता हूँ, तब भी मुझे चैन मिलेगा। अब हमें पटक के दिखा। हम इंसानों में एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। एक और कहावत है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखो, तुम्हें जिंदगी भर इसमें रखूंगा बदमाश। चलो एक आम तो खा ही लेता हूँ, छोटा ही सही। ओ ये क्या कर दिया, मैंने कहा था इसे हवा नहीं लगनी चाहिए। बॉक्सर भैया, आप कार क्यों धो रहे हो? कार धोने के लिए जो लड़का रखा है वो छुट्टी पे चला गया है। अरे वो पैसे भी लेता है और ठीक ढंग से कार भी नहीं धोता। बॉक्सर भैया, आप कहो तो हम आपकी कार धो दिया करेंगे। आप हमें ही पैसे दे दिया करना और हम छुट्टी भी नहीं करेंगे, क्यों मोटू? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आपकी कार एकदम चमका देंगे। नेकी और पूछ, लो मेरी कार और एकदम अच्छे से चमका दो। अरे क्या कर रही हो, बॉक्सर से पिटवाने का इरादा है क्या? मोटू जल्दी कुछ करो, इस तरह तो कार साफ नहीं हो सकती। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, अब तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। भाग जाओ, अरे क्यों हमारे धंधे का सत्यानाश कर रही हो? ओए मोटू मेरे यार, मेरे पाई, ये कार कब खरीद ली? कार खरीदी नहीं, कार वॉश करने का नया काम शुरू किया है, लेकिन ये चिड़िया कार को गंदा करने में लगी है। उड़ी बाबा, मोटू पतलू, मेरा कार वॉश करने का 20 साल का तजुर्बा है। प्रॉपर शेड लगा के गैराज खोलो, फिर देखो कोई चिड़िया तंग नहीं करेगी। बोली बाबा, यहाँ से जल्दी भागो और गैराज खोलो। ओए कसम मेरे मरीजों की, मैं तुम्हें ऐसा केमिकल दूंगा जिसे पानी में डालकर कार साफ करोगे तो कार इतनी चमकेगी कि उसकी रोशनी से आंखें चकाचौंध हो जाएगी। चलो फिर तो कार वॉश का गैराज खोल ही लेते हैं, बॉक्सर की कार वहीं ठीक से साफ करेंगे। मोटू मेरे यार, ये केमिकल पानी में मिला के कार वॉश करो, फिर देखो कार के साथ साथ तुम्हारी किस्मत भी चमक जाएगी। हाँ चिंगम सर, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अयो माँ, स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, तुम ये क्या कर रहे हो? चिंगम सर, अभी आपकी यूनिफॉर्म को चांद तारों की तरह चमका दूंगा। अयो माँ, बस भी करो, तुम्हें हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम। अयो ले
लेकिन चिंगम सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक सोने के स्मगलर को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर रहा हूँ। खबर मिली है कि वो यहाँ से गुजरने वाला है, लेकिन तुम मेरे से दूर रहो। मैं पतलू से ही बात करूँगा, तुम से नहीं। पतलू, हे पतलू! जी सर, सॉरी। हेलो जॉन, जॉन जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। बोलो किसने फोन किया है, तू है कौन? 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 वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। बॉस, चिंगम ने नाकाबंदी लगा रखी है। मैंने कुछ देर टाइम पास करने के लिए मोटू पतलू के गैराज में अपनी कार वॉश करने के लिए दे दी है। कार वहाँ से हटाओ, कार वहाँ से हटाओ, वरना मोटू पतलू कार के साथ साथ तुम्हें भी वॉश कर देंगे। अब नहीं हटा सकता, वो कार वॉश करने लगे हैं। ऐसे अचानक बीच में से कार ली तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम कार नहीं अपनी किस्मत धुला रहे हो, क्यों ऐसा करके मुझको रुला रहे हो? वाह बॉस वाह। ओहो, बॉक्सर की कार अभी तक वॉश नहीं हो पाई है। आइडिया। देखिए आपकी गाड़ी क्या रगड़ रगड़ के चमका रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा? और मैं? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये लो मेरा इनाम। मेरे दोस्त पतलू को क्यों मारा? जाके अपने दोस्त से पूछो। तुमने कैसे कार वॉश की? हमारे कार का पूरा रंग उतर गया। हमारी कार का भी। हमारी कार का भी। हमारी कार का भी। मारो, छोड़ दो पति ने, मारो। मेरी सोने की कार वापस लाओ। मजाक कर रहा था। मेरी बाइक। ओए मोटू मेरे यार, मेरे पाई, कार वॉश कैसी चल रही है? अभी बताता हूँ, तुम्हारे केमिकल ने हमें बर्बाद कर दिया। सोने की कार? वो कार तो सोने की है। लगता है वो स्मगलर की कार है जिसे चिंगम पकड़ना चाह रहा है। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, सोचो क्या करे। आइडिया। मेरी सोने की कार वापस लाओ। रुक जाओ, ये माँ, रुक जाओ। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, तुम्हें कानून की कसम। ओए कसीटे, सोने की कार मिल गई यार, अपनी तो लॉटरी लग गई।
थी। सोने की लंका सुना था, सोने की कार पहली बार सुन रहा हूँ। मोटू पतलू, यू आर अंडर अरेस्ट। जेल में जाके मेरा इंतजार करो। अब ये कार मेरी है, मेरी अपनी सोने की कार। बाय बाय। सर ये क्या कर रहे हो? पुलिस का काम है चोरों को पकड़ना, खुद चोरी करना नहीं। देखो चिंगम सर, ऐसा काम ना करो, पुलिस का नाम बदनाम ना करो। अरे मां, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, मैं जाता हूँ चोर पकड़ने। मैं हूँ जान, मैं हूँ जान, और जान बनेगा जान। सोने की कार है मेरी, अब मुझे रोकेगा कौन? अये मां, चोर तो कार में ही था, मैं बाहर क्यों आया? पीछा करो। मुझे बतलू, बाय बाय, अब वो सोने की कार हमारी होगी। पुरी बाबा, मेरा पैर छोड़ो। मामोनी, मोटू पतलू, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं सरकार से तुम लोगों को इनाम दिलाऊंगा। इनाम हम देंगे। मोटू पतलू ने पता नहीं कौन सा केमिकल डाला और हमारी कार सड़ गल गई। देखो कार का क्या हाल हो गया। अब हम इनका भी यही हाल करेंगे। मारो।